वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार ने कल ही फैसला लिया कि शराब की बिक्री दिल्ली में होगी, लेकिन 70% ज्यादा दाम के साथ एमआरपी पर। लेकिन इसके बाद देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, पेट्रोल के दामों में भी 1.67 रुपए का इजाफा किया गया है। दिल्ली में 7.10 रुपए महंगा हो गया है अब डीजल और पेट्रोल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त वैट लगाया गया है और इस एक्स्ट्रा वैट को लगाए जाने के बाद 7 रुपए डीजल के दाम दिल्ली में बढ़ गए हैं, तो पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। और जानकारी के साथ हमारे साथ संजय शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। संजय, दिल्ली सरकार ने जो फैसले लिए, चाहे शराब के एमआरपी पे कल 70% ज्यादा दाम लेने का फैसला हो या फिर आज जिस तरह से अतिरिक्त वैट पेट्रोल डीजल में लगाया गया है, सरकारी खजाने में पैसा आए और इस संकट की घड़ी में इस पैसे का इस्तेमाल हो, प्रयास यही दिखाई देता है। जी हाँ, अभी सरकार का घोषित रूप से कहना तो यही है कि इससे अभी जो राहत कार्य है उसमें मदद मिलेगी, लेकिन ये तो इसमें तो हाय तो बस जरूर मचेगी कि डीजल पर और पेट्रोल पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन शराब पर 70% बढ़ाया गया उसको लेकर ना तो लोगों में कोई रोष है ना किसी तरह का कोई असंतोष है, क्योंकि यहाँ मैं शराब के ठेके पर खड़ा हूँ और ये मयूर विहार का कोटला इलाका है और यहाँ कम से कम 1000 लोगों की भीड़ मौजूद है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शराब और पेट्रोल यानी दोनों तरह के ईंधन पर, वाहनों का ईंधन भी और कुछ लोग जो शराब से ही जिसका ईंधन चलता है जिसका, उन दोनों पर सरकार ने सेस बढ़ा दिया है कोरोना से। बिल्कुल, शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।